पचास करेंगे आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। तो फिर उसके बाद भी क्षेत्र के लोगों का बहुत प्रेम है सर। ट्राइबल बेल्ट में जो विधायक निधि का जो पैसा मिलता है, बात मुझे पूरा 4 करोड़ से ज़्यादा विधायक निधि मैंने बिजली के कामों में दिया, पानी के कामों में दिया, टैंकर जैसी चीज़ों में व्यवस्था लगाया और जो जो सुख सुविधाएँ यहाँ मिलना चाहिए वो सरकार के द्वारा नहीं पर विधायक निधि से जितना हो सके मैंने किया है। और आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरा ढिगड़ा बिगड़ा है सर। अस्पतालों में यहाँ डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है और फैकल्टियाँ बड़ा नहीं है। 20 साल से हॉस्टल आदिवासी एसटीएससी के हॉस्टलों में सीटों की बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने कभी भी किसी चीज से समझौता नहीं किया। उनके लिए उसूल अपनी जगह है, उनके जगह सिद्धांत अपनी जगह है और उनके संकल्प अपनी जगह है। वो सत्ता से बस नहीं होते हैं और ये अखबार का और उनके जीवन का ऐसा मकाम है कि जिसको देखकर और जिसको समझकर बड़े से बड़े लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मुझे कोठारी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि कोई इस प्रकार का संपादक भी ये कह सकता है कि मैं दिमाग से नहीं दिल से सोचता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनसे बात करके और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं। महेश्वर को कॉरिडोर घोषित कर ही दिया है और बहुत अच्छा और शानदार महेश्वर बनने जा रहा है, इसी हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है। उस योजना का लाभ भी हमें मिल रहा है। जब हम जन जन तक पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं
एक नया महेश्वर हमें देखने को मिलेगा।